इस तजुर्बे में आप बिजली से मक्नातीस पैदा कर सकते हैं। इसके लिए आपको रिवाइंडिंग का तांबे का तार, रबर ब्लेड, सुई, बैटरी वगैरह दरकार होंगे। सबसे पहले जो रिवाइंडिंग का मोटर का तार है, इससे आप एक 40 मरतबा मोड़ कर घेरा बनाएं और इसके दोनों सिरों को बिल्कुल घिस दें। इनका इंसुलेशन निकल जाए और तांबा वाजे तौर पर नज़र आए। इसके बाद में एक रबर का चौकोन टुकड़ा लें, इसके दरमियान में एक खांचा बनाएं और जो आपकी कॉइल है, घेरा है, इसे इसमें सीधा नस्ब कर दें। इसके बाद आप एक नई ब्लेड लें। ब्लेड में पहले ही मकनातीसियत होती है। अगर आप इसे लटकाएंगे तो वो शुमालन जुनूबन लटकेगा। अगर आप किसी सुई को भी आज़ादाना लटकाएंगे तो वो शुमालन जुनूबन लटकेगी। इसके बाद में ब्लेड को लें और एक महीन धागे से इस घेरे के बिल्कुल दरमियान में बांधें, जिससे कि आपकी ब्लेड आसानी से घूम सके। फिर एक 1.5 वोल्ट की बैटरी से लें और घेरे के दोनों सिरों पर मजबूत मनफी जोड़ें। जैसे ही आप इन्हें जोड़ेंगे वैसे ही ब्लेड घूमने लगेगा और कॉइल के जाविये कायमा पर आ जाएगा। क्योंकि कॉइल एक मकनातीस बन गई है तो वो ब्लेड के मकनातीस को दफा करती है और ब्लेड इस सूरत में आती है। अगर आप अपनी बैटरी की सिमत बदलेंगे, यानी मजबूत की जगह मनफी रखेंगे, तो ब्लेड दोबारा घूमेगी और इसकी सिमत बदल जाएगी। यहाँ पर आप इसे करीब से देख सकते हैं, क्योंकि सुई में भी पहले से ही मकनातीसियत होती है, तो सुई भी इस तजुर्बे के लिए बहुत अच्छा काम करती है।